नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ राही कपूर और आज आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाला हूं जो कहीं ना कहीं दिल को छू देने वाली स्टोरी है। स्टोरी आज इंसान की नहीं है, स्टोरी है एक जानवर की। आज से 3 महीने पहले डिफेंस के साथ एक ताल्लुक रखने वाले किसी अधिकारी ने एक बंदर का वीडियो बनाया था। कोशिश उन्होंने की थी कि उस बंदर को जो है वो पकड़ा जाए। अब बंदर की कहानी क्या है आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, वो बंदर उसके गले में एक चैन पड़ी हुई थी और किसी ने चैन इस हद तक उसे बांधी कि ये पूरा जो गला है उसका वो कट गया। गला कटते कटते अब बंदर को पकड़ना बड़ा मुश्किल था, वो किसी के हाथ नहीं आया और वो बंदर वहां से निकल गया। अब वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और कल हमें पता चला कि वो बंदर कहीं इसी आर्मी के आसपास के एरिया यानी मेंढर के आसपास में कहीं वो दिखा। तो हमें किसी ने कॉल किया कि इस तरीके से उस बंदर की कंडीशन बहुत बुरी है, उसका ये जो बैक साइड है ये गर्दन बिल्कुल कट गई हुई है और कटने के बाद इतना जख्म हो गया था कि उस जख्म के बीच में बहुत सारे कीड़े पड़ गए। अब उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल था और किसी तरीके से उसको वो पकड़ा और जब मेरे तक ये बात पहुंची तो मैंने अपने साथियों से, क्योंकि हमारी वॉलंटियर टीम जो है वो एनिमल रेस्क्यू करती है, आपको पता है जिस तरीके से पहले भी मैंने काफ़ी स्टोरीज आपको बताई हैं, तो हमारे टीम के सदस्य 3-4 वहाँ पर मौके पर पहुंची और जब उन्होंने देखा कि उसकी हालत बहुत कंडीशन है, जो है वो काफ़ी खस्ता है, बहुत ख़राब कंडीशन है, तो किसी तरीके से उन मतलब कि कुछ डिफेंस के लोगों की मदद से उसका रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करने के बाद उस बंदर को ले गए कहाँ, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट यानी उनके वहाँ पे जो है उसको पहुँचाया। तो वहाँ पर डॉक्टरों की टीम ने जो है उसकी जब कंडीशन देखी और वहाँ पे मैं स्पेशली नाम मेंशन करना चाहूँगा, डॉक्टर अशोक आनंद हैं, उन्होंने अपनी टीम के साथ जो है उसका पूरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। यानी सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि उसकी जो वो चैन गले में पड़ी हुई थी उसको काटा। चैन को काटने के बाद उसके जो मतलब उसको कीड़े पड़े हुए थे उन कीड़ों को बिल्कुल निकाला और उसे जो पूरा ट्रीटमेंट देने के बाद थोड़ा सा उसे स्टेबल किया। एक्चुअली मेंढर के मैं माईसेल्फ डॉक्टर अशोक कुमार आनंद AMP मेंढर एसटी मैनेजर पोल्ट्री फार्म मेंढर से हुए हैं। तो आज दिन को कोई 1-1.5 बजे के करीब मेंढर के कुछ लड़के आए थे हमारे पास, हमारे डिपार्टमेंट में, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में। तो वो एक रेस्क्यू मंकी लेके आए हुए थे, तो ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था मंकी। तो एक्चुअली इसका कोई 1-2 महीने पहले मुझे आर्मी हेडक्वार्टर से इसके बारे में बताया गया था कि इस तरह का मंकी है जो चेन में फंसा हुआ है, इसको निकालना है कैसे। तो उस टाइम पे तो हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो मैंने उनको वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का नंबर दिया था कि इस तरह के रेस्क्यूज़ जो हैं वाइल्ड लाइफ के जो हैं तो वो खुद ही करते हैं। मैंने उनसे पूछा था कि ये पेट है कि वाइल्ड का, तो उन्होंने कहा वाइल्ड है। तो आज उस मंकी को जब मैंने देखा 3 महीने से वो बुरी कंडीशन में था, उसके गले में चेन पड़ी हुई थी। किसने चेन बांधी इसका तो आइडिया नहीं है, लेकिन चेन बहुत बुरे तरीके से बांधी, इतनी टाइट बांधी कि उसके गले में हुक डाली हुई थी, बंद किया था, जिसकी वजह से वो चेन निकल नहीं पा रही थी। तो मंकी वाइल्ड में घूमना शुरू कर दिया, भाग गया। तो उसके बाद वो जैसे जैसे चेन उसको लगती रही वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, तो वो चेन और ज़्यादा उसके गले में डीप होती रही, तो जिसकी वजह से उसका जो ज़ख्म था वो दिन ब दिन बढ़ता गया। और वो वाइल्ड एनिमल था तो उसमें किसी ने उसका ध्यान नहीं रख सका कोई। तो आज वो हमारे मेंढर के लड़कों को मिला जो बहुत ही ज़्यादा सोशल एक्टिविस्ट हैं, और मैं पहली बार, मैंने 1-2 बारी पहले भी देखा है, और इस तरह के सोशल एक्टिविस्ट मेंढर में है, मेंढर जैसे छोटे गाँव में, पुंछ डिस्ट्रिक्ट जो पूरा बॉर्डर एरिया, तो ये इनकी सोशल एक्टिविटी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब वो लेके आए तो हमने पहले उसकी चेन काटने की कोशिश की और जिसमें हम सक्सेसफुल भी हुए। उसके बाद मंकी की हालत इतनी ख़राब थी कि वो बैठ भी नहीं पा रहा था और वो किस तरह का रेजिस्ट भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो कम से कम 10-12 दिन का वो भूखा होगा, तभी उसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी और वो बेहोश होने वाली कंडीशन में था। तो मेरे साथ मेरे बाकी कुलीग डॉक्टर्स और हमारा पैरावेट का स्टाफ, डिपार्टमेंट का स्टाफ और आर्मी के कुछ पर्सनल्स जो थे और मेंढर के जो सोशल एक्टिविस्ट जो लड़के हैं, उन्होंने फुल कोऑपरेट किया। हमने उसका पूरी तरह से ट्रीटमेंट किया, उसमें काफ़ी तरह के मैगेटेड वाउंड था, वो उसमें काफ़ी कीड़े पड़े हुए थे, जिसको हमने कम से कम
ढाई तीन घंटे लगे हमें उसका ट्रीटमेंट करते वक्त। तो उसके बाद हमने उसको ट्रीटमेंट करके उसको हमने सोशल एक्टिविस्ट जो थे जिन्होंने हमारे रेस्क्यू कर चलाया था उनके हवाले कर दिया। लेकिन उसके जो जख्म और जो उसके वाउंड्स थे और जो उसमें मैगट्स थे वो उसके ब्रेन लेवल तक चले गए थे। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जो बड़े बड़े लेवल पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं और एक्शंस भी करते हैं कि सोशल एक्टिविस्ट जैसे एनिमल वेलफेयर के जैसे पीटा है और बाकी जो एनजीओज हैं इंडिया में भी काम कर रही है जम्मू में भी काम कर रही हैं तो ये मैंने हाई लेवल पे देखी हुई है। हाँ भाई ये काम करते हैं लेकिन मैंडर जैसे एक छोटे से गांव जो बिल्कुल रिमोट बॉर्डर एरिया पे है वहाँ पे ये इस तरह के काम देखे मुझे आज अपने आप में एक प्राउड फील हो रहा है कि मैं इस गांव से बिलोंग करता हूँ कि जहाँ के लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। रिमोट बॉर्डर एरिया है, मिलिटेंसी एरिया है, आपने सुना होगा न्यूज़ में काफ़ी दिनों से 10-15 दिन से यहाँ पे ऑपरेशंस चल रहे हैं और बिल्कुल पाकिस्तान के एडजॉइनिंग है, शेलिंग होती है। तो वहाँ के लोगों के में भी इस तरह की इंसानियत है और सिर्फ इंसानियत नहीं, उन्होंने उस चीज़ को मैंने बहुत बार देखा कि उन्होंने इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस किए हुए हैं और एनिमल्स की तरफ उनकी थोड़ी सी सहानुभूति है, तो सॉफ्ट कॉर्नर है। तो मुझे अच्छा लगा आज उन लोगों ने ये काम किया और मुझे अपने मुझे उनके इस रेस्क्यू टीम में और इस तरह के सोशल कामों में एक पार्ट बन के मुझे अपने आप में भी एक सेटिस्फेक्शन लग रही है और अच्छा लग रहा है। तो मैं इस न्यूज़ के या इस वीडियो के माध्यम से पूरी दुनिया को पूरी इंसानियत को ये मैसेज करना चाहता हूँ कि आपको जहाँ कहीं भी कोई इस तरह का एनिमल मिले, कोई बेजुबान जानवर, ह्यूमंस पर परिंदा जानवर जो भी आपको मिलता है, तो अगर आप इफ़ यू आर नॉट एबल टू हेल्प इट, अगर आप उसको मदद नहीं कर सकते एटलीस्ट यू शुड इन्फॉर्म टू द हायर अथॉरिटीज, ऑफिशियल्स, डिपार्टमेंट के पर्सनस जो हैं, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया या फिशरीज जो भी हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, तो उनको आप बताइए और हमारा डिपार्टमेंट हमेशा इस काम में आगे बढ़ता है कि इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस में जानवरों की हेल्प करने के लिए, बेजुबानों की हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहता है। और जो हमारी वॉलंटियर जो लड़के थे उन लोगों ने उस बंदर को लेकर मंदिर में पहुंचे। जब मंदिर में पहुंचे तो उसका प्रॉपरली जिस तरीके से डॉक्टरों ने बताया था, क्योंकि डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना था कि इसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकली है, एक तो ये 10-12-13 दिन से भूखा है और जो कीड़े थे वो इसके दिमाग तक पहुंच गए, यानी इसके दिमाग तक को वो खा गए और इसके बचने के चांसेस जो हैं वो बड़े कम हैं। लेकिन अगर इंसान इस कंडीशन में हो तो हमारी तरफ से जो है पूरा प्रयास रहता है कि उस इंसान को बचाया जा सके, लेकिन ऊपर वाले को क्या मंजूर था वो एक अलग बात थी, लेकिन अपनी तरफ से पूरी टीम ने एक एफर्ट किया, पूरी कोशिश की कि इसको बचाया जा सके। और वो जो डिफेंस के लोग थे उन्होंने भी काफ़ी मदद की हमारी, और मतलब कि अनफॉर्चुनेट मैं आपको बता दूं कि वो बंदर जो है वो नहीं बच पाया। जब उसको लाया गया, अब खाना पीना तो उसने छोड़ दिया था, सांस उसकी चल रही थी, लास्ट टाइम जब 7-8 बजे का टाइम था तो मैं वहाँ पर पहुँचा अपने साथी के साथ, और जब उसकी कंडीशन देखी तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं थी, तो अब हमारा जज करना बहुत ही मुश्किल था कि उसकी डेथ हो चुकी है, वो मर गया है या नहीं मरा है। इसको लेकर जब मैंने एक बार फिर डॉक्टर साहब से जो है कॉन्टैक्ट किया, और सल्यूट करता हूँ डॉक्टर साहब को कि उन्होंने इमीडिएटली कहा कि मैं वहाँ पे पहुँचता, और डॉक्टर वहाँ मंदिर में पहुँचे और फाइनली उन्होंने देखा कि वो बंदर जो है वो डेड हो गया था। और डेड होने के बाद फिर हमारी टीम ने जो है मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उसका जो है वो लास्ट राइट्स जो है वो जैसे किए गए और उसको वो पूरा यानी कि दफनाया गया, मीन्स के उसको समाधि के तौर पर जो है वो उसको कर दिया गया है। अब ये स्टोरी दिखाने का मकसद आपको ये है कि इसमें ना तो कोई पब्लिकसिटी वाली बात है और ना ही हमारी टीम को किसी से सर्टिफिकेट चाहिए कि हम ये वीडियोस डालेंगे तो हमें कोई मतलब कि अप्रिशिएट करेगा या वो। ठीक है, अप्रिशिएट करना, ये आपके सामने ये स्टोरी लाने का एक ही मकसद है कि उस बंदर यानी उस मंकी की जो हालत थी वो मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि किस बेवकूफ ने उसको गले में जो चैन डाला, इतना टाइट चैन करके डाला, या तो किसी ने जंगल से उसको पकड़ा होगा और वो कहीं छुड़वा के जो है वो कहीं निकल गया, भाग गया, और चैन वो कोशिश कर रहा था वो चैन निकालने की अपनी, लेकिन कंडीशन इतनी खराब हो गई कि उसका जो गला था वो ये सर पूरा कट गया हुआ था
और वो कटने के बाद जो है वो दर दर भटक कर जो है वो पहुंचा और लास्ट जो है उसने अपनी जान गंवा दी। अब मेरा आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर इंसान इंसान के काम आता है तो आप लोग उन जानवरों के काम भी आइए। अब 3 महीने से कहाँ कहाँ वो भटक कर जो है इस इलाके तक पहुंचा और हम इस चीज़ का अफसोस है हमें कि इसके बारे में हमें लेट पता चला। अगर पहले पता चल गया होता तो काश हम उसको बचा सकते, क्योंकि वो तो ऊपर वाले का जो है वो उस खुदा का है कि जब जो इंसान आया है अपने सामने अपने समय पर अपने टाइम पर वो जाएगा, चाहे वो जानवर है चाहे कोई भी चीज़ है। लेकिन इंसानियत के नाते हमारी टीम ने उसका रेस्क्यू किया, इंसानियत के नाते उन लोगों ने बताया और आखिर उसको नहीं बचा पाए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट, इस चीज़ का बहुत दुख है। लेकिन आप तक ये वीडियो, ये संदेश पहुंचाने का एक ही मकसद है कि वो बेजुबान जो नहीं बोल सकते, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनका कोई नहीं है, अगर आप इंसानों की मदद करते हैं तो वो तो बाकमाल है, लेकिन आप उन जानवरों की मदद भी करिए जिनका कोई सहारा नहीं है। और इस कंडीशन में अगर उसकी हालत आप देख दें तो मैं तो कहता हूँ रूह तक कांप जाती है कि ऐसे जानवरों की जो है वो आप मदद करें। और अगर आप मदद नहीं कर पाते, यानी कि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी स्थिति होती है कि कोई मदद उसकी नहीं कर पाता, उसकी इच्छा रहती है कि मैं मदद करूं, आप प्लीज़ जो हमारे ये स्क्रीन पर नंबर दिए गए हुए हैं, मेरा नंबर मैक्सिमम हर लोगों के पास है, मेरे पेज पर भी वो मेरा नंबर वहाँ पे फ्लैश है, आप एक बार जो है कॉन्टैक्ट करके ज़रूर हमें बताइएगा कि इस तरीके से कोई जानवर इंजर्ड है या कोई उसकी ये कंडीशन है, ताकि हम कोशिश करें वाइल्ड लाइफ की मदद लें या जो भी हमारी वेट टीम है वो लोगों की मदद ले के उसका रेस्क्यू करके उसको बचाया जा सके। ये तस्वीरें देखकर आप विचलित हो सकते हैं क्योंकि ये तस्वीरें बहुत ही दर्दनाक हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इन तस्वीरों को ये ब्लर करके आपको दिखाया जाए, क्योंकि बहुत ही मतलब मन में जो है ना वो पीड़ा होती है। तो मेरी ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप भी इस तरीके से बेजुबानों की मदद करें, क्योंकि उनका सहारा कोई नहीं है। तो कहते हैं कि सब उस खुदा की नियामत है, सब उसी का दिया हुआ है और हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग ऐसे बेजुबानों की मदद करें, वो चाहे कोई भी हो। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है और ये स्टोरी आपको दिखाने का एक ही मकसद है कि आपको आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर उस तक ये मैसेज पहुंचे कि इन बेजुबानों की जो है वो इंसान को मदद ज़रूर करनी चाहिए। जहाँ कहीं भी आपको इस तरीके की कोई कंडीशन में कोई जानवर या पशु पक्षी कुछ भी मिलता है, आप हमसे ज़रूर संपर्क करिएगा। हमारी टीम वहाँ पहुँच कर जो है वो पूरी कोशिश करेगी कि उसके उसका कुछ ना कुछ जो है वो किया जाए। और मैं उन डॉक्टर साहिबान का, उनकी पूरी टीम का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने टीम मेंबर्स जो हमारे यंगस्टर वहाँ पर पहुँचे थे उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ और मंदिर के प्रशासन, जो मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि सबके एफोर्ड के बाद भी जो है ये तो ज़िंदगी मौत उस ऊपर वाले के हाथ में, वो नहीं बच पाया, लेकिन कोशिश जो है वो सब ने की और आखिर में जो है यही संदेश आप तक पहुंचाना चाहता था। आप मुझे और मेरी टीम को दी इजाज़त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।